Hello students, in my previous lecture we studied about the zeroth order and second order kinetics और बहुत important जो numericals है वो भी मैंने discuss किए थे. अब हमें करना है second order, third order, fourth order and nth order के लिए integrated rate equation करेंगे हम और graphs भी discuss करेंगे. स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में 99.9% जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जीरोथ ऑर्डर में से और फर्स्ट ऑर्डर में से आता है, ठीक है. बट आपको सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड nth ऑर्डर के लिए जो इक्वेशंस हैं वो पता होने चाहिए. नॉलेज के लिए भी और कंपटीशन पर्पस से भी आपको पता होना चाहिए. तो आज हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर की का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसके ग्राफ करेंगे. सिमिलरली थर्ड के करेंगे और nth ऑर्डर के भी इक्वेशन हम डिराइव करेंगे. मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगी आगे. तो फर्स्ट हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर में सपोज यहाँ पे कोई इक्वेशन ले लिया है कि रिएक्टेंट ए है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम रेट क्या लिखेंगे. हम रेट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, आर इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर टू. फॉर सेकेंड ऑर्डर हम यहाँ पे टू लिखेंगे. ये मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि वाई वी आर राइटिंग हेयर टू, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है. तो अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन में, तो ग्राफ कैसा आएगा. रेट हमने यहाँ पे ले लिया, कंसेंट्रेशन हमने यहाँ पे ले लिया एक्स एक्सिस में, तो जो ग्राफ है वो कैसा आएगा. जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, ठीक है. यहाँ पे जो आर है वो ए स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है. अगर यहाँ पे खाली ए होता तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट आता, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर है तो इसलिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आया है, ठीक है. अब हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए. इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या करता है, इट गिव अस रिलेशनशिप बिटवीन कंसेंट्रेशन एंड टाइम, कि टाइम चेंज होने के साथ साथ कंसेंट्रेशन में क्या चेंज होता है, कितना चेंज होता है, तो वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमें बताता है. देखो यहाँ पे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट को हमने ए ले लिया, ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं हम. आर इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर टू. फॉर सेकेंड ऑर्डर हमने टू लिख लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अगर हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, आर इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी. ये मैं आपको पहले ही वीडियोज में क्लियर कर चुकी हूँ कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. दीज आर द टू वे टू राइट रेट. अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम क्या कर लेंगे, रिलेट करके देखेंगे. हम दोनों को इक्वल करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, जब ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा. तो माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर टू. अभी डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म को हम सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन में इसमें इंटीग्रेशन लेंगे यहाँ पे. सो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे हम लिमिट्स लगा के. लेट टी जीरो है, जब टी जीरो है तो एक जो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन हमने ए माना है. एट टी जीरो जो रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन है वो ए नॉट है, दैट इज इनिशियल कंसेंट्रेशन. एट टी टाइम यानी जब कुछ टाइम के बाद हम टी इज इक्वल टू टी ले लेते हैं, तो ए का जो कंसेंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है, जो बचा हुआ कंसेंट्रेशन है वो ए ले मार के यहाँ पे चल रहे हैं. मीन्स ए नॉट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन एट टाइम जीरो एंड ए इज द रिमेनिंग कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी. तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे. अगर जब टाइम जीरो है तब कंसेंट्रेशन ए नॉट, जब टाइम टी है तो कंसेंट्रेशन क्या लेंगे, ए लेंगे. तो इंटीग्रेट हम करेंगे यहाँ पे ए नॉट से ए तक और यहाँ पे जीरो से टी टाइम तक हम इंटीग्रेट करेंगे. जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक चीज है यहाँ पर जो माइनस का साइन है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन इसके पास आ जाएगा. अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी ए अपॉन ए स्क्वायर का. डी ए अपॉन ए स्क्वायर की जब इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, वन अपॉन माइनस ए. ठीक है, डी ए अपॉन ए स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, वन अपॉन माइनस ए. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर इंटीग्रेशन करेंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, वन अपॉन माइनस एक्स. तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर दिया, लिमिट्स यहाँ पर है ए नॉट और ए.
सिमिलरली यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट के इंटीग्रेशन नहीं होता तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, ठीक है। और यहाँ पर हमने टाइम को इंटीग्रेट किया था 0 से लेकर टी तक, अपर लिमिट टी है और लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस ए, ए नॉट से ए तक लिमिट्स यहाँ पे लगी हुई है, अपर लिमिट ए है और लोअर लिमिट ए नॉट है, इज इक्वल टू माइनस के टी, लोअर लिमिट टाइम की 0 है और अपर लिमिट टी है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे टी माइनस 0 आएगा, टी माइनस 0, 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती तो टी रह जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के टी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट। अब आगे देखो t को एक साइड पे लिख लेते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरे साइड पे ले जाते हैं, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन k 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a नॉट। अब देखो यहाँ पे a नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन t इज 0 एंड a इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टाइम t, और k क्या है यहाँ पर, k इज द, सो दिस इक्वेशन इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन और रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन एंड टाइम फॉर सेकेंड ऑर्डर। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन ए नॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। अब इसको हमने अरेंज इसलिए किया क्योंकि हमें इसको देख के ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है इसको यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पर लेंगे 1 अपॉन ए इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम प्लस सी, सी जो है वो इंटरसेप्ट की वैल्यू बताएगा, 1 अपॉन ए नॉट क्या है यहाँ पर, इंटरसेप्ट की वैल्यू बताएगा, और एम क्या है स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल है, के इक्वल है, वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ भी पॉजिटिव ही आएगा। देखो यहाँ पे y एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, 1 अपॉन a का कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पर हमने ले लिया टाइम, जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन a नॉट, तो ये इंटरसेप्ट है 1 अपॉन a नॉट, और ये आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट जाएगा, और जिसका जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, टेन थीटा, या किसके इक्वल होगा, के, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू के, तो ये आपका ग्राफ है फॉर सेकेंड ऑर्डर। अब हम करेंगे हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर, हमारा जो इक्वेशन था सेकेंड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो इक्वेशन था वो क्या था, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन के 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट, ये हमारा इक्वेशन था फॉर सेकेंड ऑर्डर। अब इसी के लिए हम हाफ लाइफ टाइम लिखेंगे, टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, टी की जगह हम टी हाफ पुट कर देंगे और ए की जगह पे ए नॉट अपॉन टू, ठीक है। हमने क्या किया, जो कंसंट्रेशन है उसको हाफ कर दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट मान के हम चलते हैं, ठीक है। जब टी हाफ हुआ है, जब टाइम को हमने हाफ कर दिया तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे ए की जगह क्या पुट करेंगे, ए नॉट अपॉन टू, तो पुट दीज टू वैल्यू इन दिस इक्वेशन, टी की जगह टी हाफ हो जाएगा 1 अपॉन के, ए की जगह पे क्या हो जाएगा ए नॉट अपॉन टू माइनस 1 अपॉन ए। तो इसको सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नॉट, यहाँ पे क्या होगा, जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 अपॉन ए नॉट माइनस 1 अपॉन ए नॉट कितना आएगा, 1 अपॉन ए नॉट ही आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। सो दिस इज हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर। एक चीज है स्टूडेंट्स, अभी तो हम इक्वेशन डिटेल में निकाल रहे हैं, बट लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगी जिससे आप किसी भी ऑर्डर का, स्पेशली सेकेंड थर्ड फोर्थ या nth ऑर्डर के लिए आप क्या कोई भी इक्वेशन आप डिराइव कर सकते हो, हाफ लाइफ भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी आप डिराइव कर सकते हो, तो वो इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, बट अभी हम एक एक करके डिटेल में करते हैं। सो अब ग्राफ देखो, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं टी हाफ वर्सेस ए नॉट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, दिस इज हाइपरबोला ग्राफ, जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है,
जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो ग्राफ ऐसा आएगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं टी हाफ वर्सेस वन अपॉन ए नॉट, ठीक है, तो जो ग्राफ है हमारा स्ट्रेट आएगा और स्लोप किसके इक्वल होगी, वन अपॉन के इक्वल होगी। यहाँ पर देखो जो टी हाफ है वो इधर है और ए नॉट है जो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का वो अपॉन में है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो कंसंट्रेशन अपॉन में है तो इसका इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये जो है वो अपॉन में है तो इसलिए क्या होगा कि टाइम के साथ साथ इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, क्योंकि ये अपॉन में वैल्यू है तो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। अगर हम वन अपॉन ए नॉट और टी हाफ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेट आएगा, क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के लिए हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पर अगेन यहाँ पे हमने ए रिएक्टेंट लिया, ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, रेट फॉर थर्ड ऑर्डर कैसे लेंगे, आर इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3। फॉर थर्ड ऑर्डर हमने यहाँ पावर 3 लिखी है। इसी के लिए हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। और रेट लॉ के अकॉर्डिंग आर किसके इक्वल था, आर इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्यू। सो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको हमें रिलेट करके इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बनाना है। अब एक चीज़ देखो, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर थर्ड ऑर्डर तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पर आर इज इक्वल टू के ए क्यूब है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर के लिए के ए स्क्वेयर था, स्क्वेयर है तब भी या क्यूब है तब भी जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। अगर मान लो खाली ए होता, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर वाला केस होता तो ग्राफ स्ट्रेट आता, लेकिन यहाँ पे स्क्वेयर और क्यूब है इसलिए ग्राफ ऐसे आएगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। सो आगे देखो, रेट को हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी लिख के देख ली यहाँ पे, ठीक है, और रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी आर हम मेंशन कर रहे हैं। जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों ही आर आ रहा है, ठीक है, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। सो माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का क्यूब। अब डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन हम करेंगे लिमिट्स लगा के, जब टाइम ज़ीरो होगा तो कंसंट्रेशन हम क्या ले रहे हैं, ए नॉट, जब टाइम टी है तो कंसंट्रेशन क्या लेंगे, ए। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। यहाँ पर जो माइनस का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन है, जब दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम में जो अपर लिमिट है वो ए है, ठीक है, और जो लोअर लिमिट है वो ए नॉट है। सिमिलरली यहाँ पे टाइम में जो इंटीग्रेशन हो रहा है वहाँ पे लोअर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट टी है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन टाइम के लिए कर रहे हैं हम। अब एक चीज़ देखो, डी ए अपॉन ए क्यूब, डी ए अपॉन ए क्यूब को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है माइनस वन अपॉन टू ए स्क्वेयर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि अगर इंटीग्रेशन करते हैं वन अपॉन एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू आती है सॉल्व करके, वन अपॉन माइनस टू एक्स स्क्वेयर। तो वही हमने यहाँ पे किया। फिर अपर लिमिट यहाँ ए है और लोअर लिमिट ए नॉट है। इंटीग्रेशन कहाँ तक किया हमने, ए नॉट से ए तक। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस के, टाइम में अपर लिमिट टी है और लोअर लिमिट जीरो है, ठीक है। फिर नाउ सॉल्विंग दीज टू, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन बाय टू को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। फिर अब इसको हम कैसे लिखेंगे, वन अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वन अपॉन ए नॉट स्क्वेयर, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करके ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू माइनस के टी, क्योंकि जब जब हम लिखेंगे इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, टी माइनस जीरो आएगी, तो टी यहाँ पर रह जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू के वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए नॉट का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन विच इज गिविंग रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन फॉर थर्ड ऑर्डर।
अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया था, एक बार दोबारा से देख लो। हमने क्या किया, रेट के दोनों फॉर्म लिख लिए, ठीक है, फिर दोनों को इक्वल कर दिया। तो माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए का क्यूब आ गया। डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे ए नॉट से ए तक इंटीग्रेशन किया, यहाँ से 0 से टी तक लेकर इंटीग्रेशन किया। फिर इसका सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो डी ए अपॉन ए क्यूब को सॉल्व करके क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन 2a² आ जाएगा, और अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट ए नॉट। यहाँ पर हमने के का इंटीग्रेशन नहीं होता, के का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, माइनस के बाहर आ गया, ठीक है। डी टी के इंटीग्रेशन करेंगे, डी टी के कंट्रीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी और अपर लिमिट टी है और लोअर लिमिट 0 है। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 को हमने बाहर ले लिया, और अंदर क्या रह जाएगा, 1/a² -1/a0² इज इक्वल टू -kt, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2k 1/a² -1/a0² इसको अरेंज करके हमने ऐसे लिख लिया। अब हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसको कैसे लिखते हैं, 1/a² इज इक्वल टू 2kt प्लस 1/a0² इससे हमें जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट ग्राफ आएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वाई इज इक्वल टू mx+c, तो ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट ग्राफ के लिए होती है, तो ये भी स्ट्रेट ग्राफ आएगी। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो स्टूडेंट्स हमने अरेंज कर लिया था ग्राफ के लिए, मैं यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ, 1/a² इज इक्वल टू 2kt प्लस 1/a0², ठीक है। तो ग्राफ स्ट्रेट आएगी कुछ, वाई इज इक्वल टू mx+c, ये वाला इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट के लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए होता है। तो हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1/कंसंट्रेशन का स्क्वायर वर्सेस टाइम के लिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। वाई एक्सिस पर क्या आएगा, वाई एक्सिस पर 1/a² 1/a² यहाँ पे एक है कंसंट्रेशन है, ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, टाइम आएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1/, ये देखो ये जो इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/a0² और स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2kt के, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 2k। अब नेक्स्ट है, अब इसके लिए थर्ड ऑर्डर के लिए हम हाफ लाइफ निकालेंगे। हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, टी इज इक्वल टू टी हाफ पुट करेंगे, और जो ए नॉट है वो ए नॉट अपॉन 2 पुट करेंगे। कंसेंट्रेशन को भी हाफ कर दिया, टाइम को भी हाफ कर दिया। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या था, टी इज इक्वल टू 1/2k 1/a² -1/a0² तो टी की जगह टी हाफ पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब एज इट इज है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे जो 2 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4/a0 -1/, यहाँ पे आ जाएगा 4/a0² आ जाएगा इसको सॉल्व करके, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा। 4/a0² -1/a0² तो इसकी क्या वैल्यू आएगी सॉल्व करके, 3/a0² और ये 1/2 के इधर से आ जाएगा। सो टी हाफ फॉर थर्ड ऑर्डर वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 के ए नॉट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एक चीज स्टूडेंट्स याद रखना कि बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को डिराइव करना, के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करना कभी आता नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको इक्वेशंस लर्न करने हैं तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैं अभी बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग आप वो इक्वेशन डिराइव कर सकते हो फॉर सेकेंड थर्ड एंड nth ऑर्डर के लिए। सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी ऑर्डर के लिए आप वो इक्वेशन लिख सकते हो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखो फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखनी है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो इक्वेशन है वो लिखना है, तो कैसे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर n इज इक्वल टू 2 था, सेकेंड ऑर्डर था, तो टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे लिखते थे हम, t इज इक्वल टू 1/k 1/a -1/a0। थर्ड ऑर्डर के लिए टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का इक्वेशन हमने क्या लिया था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे लिखा था, टी इज इक्वल टू 1/2k 1/a² -1/a0² ये हमने
डिराइव करके लिखा था। हम इसको डायरेक्ट भी एक फॉर्मूले के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग वन फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप उसको उस फॉर्मूले को याद रखो। उससे आप क्या कर सकते हो कि सेकेंड ऑनवर्ड्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, टेंथ, किसी भी ऑर्डर का आप इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये जो मैं फॉर्मूला आपको बता रही हूँ वो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में काम नहीं आएगा। ठीक है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का आपको एज इट इज़ लर्न करना है। ठीक है, और एज इट इज़ डेरिवेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से लर्न करना है। बट सेकेंड ऑनवर्ड्स, सेकेंड और सेकेंड सेकेंड ऑनवर्ड्स जितने भी ऑर्डर हैं उसके लिए आप इक्वेशन डिराइव ना भी करो तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो वो फॉर्मूला क्या है? फॉर एनथ ऑर्डर टी इज इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन के, वन अपॉन ए एन माइनस वन माइनस वन अपॉन ए नॉट एन माइनस वन। इस फॉर्मूले में आप पुट करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कि इस फॉर्मूले को, ये वो जो फॉर्मूला इक्वेशन है इसको यूज़ करके आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ किसी भी ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। सपोज मुझे यहाँ पे टेंथ ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? टी की जगह टी इज इक्वल टू एन की जगह पे क्या पुट करोगे? जहाँ भी एन है वहाँ पे टेन पुट करो। टेन माइनस वन यहाँ क्या हो जाएगा? नाइन के वन अपॉन ए, टेन माइनस वन यहाँ नाइन हो जाएगा, माइनस वन अपॉन ए नॉट, यहाँ पे टेन माइनस वन नाइन हो जाएगा। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर टेंथ ऑर्डर। यहाँ पर हमने सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल के देखा, आप यहाँ सेकेंड पुट करके देखो, टू माइनस वन यहाँ के आ जाएगा, यहाँ पे टू माइनस वन यहाँ वन आ जाएगा, टू माइनस वन यहाँ वन आ जाएगा। अगर मैं थर्ड ऑर्डर के लिए लिखना चाहती हूँ तो थ्री माइनस वन यहाँ टू के हो जाएगा, थ्री माइनस वन यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, और थ्री माइनस वन यहाँ पे ए स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो आगे देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना बता दिया। अब इनके ग्राफ भी सिमिलर हैं, सेकेंड थर्ड ऑर्डर, जैसे सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, अनदर ऑर्डर के लिए जो ग्राफ है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। देखो कैसे, सेकेंड ऑर्डर के लिए टाइम को हम लिखेंगे यहाँ पे टी, टाइम इधर आ जाएगा वन अपॉन ए इस साइड आ जाएगा, और वन अपॉन ए नॉट जो है वो किसकी वैल्यू देगा? इंटरसेप्ट की वैल्यू देगा, और स्लोप की वैल्यू कौन देगा? वन अपॉन के, जब हम वो इक्वेशन लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर थर्ड ऑर्डर के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? टाइम इधर लिखेंगे, वन अपॉन ए का स्क्वायर इधर आ जाएगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन ए नॉट का स्क्वायर, और स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा? टू के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर nth ऑर्डर के लिए, किसी भी ऑर्डर के लिए अगर हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल nth ऑर्डर के लिए जो हमने इक्वेशन पहले भी डिस्कस किया था, सो nth ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसे होगा? वन अपॉन ए एन माइनस वन टाइम, यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे, ठीक है, जो स्लोप है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? वन अपॉन ए नॉट एन माइनस वन, और जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा? एन माइनस वन के इक्वल होगा। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम सेकेंड, थर्ड, किसी भी एन ऑर्डर के इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो भी क्या होगा? सिमिलर ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑर्डर के लिए यहाँ पे हम क्या आएगा? वन अपॉन ए, कंसिडरेशन ऑफ ए का क्यूब, ठीक है, यहाँ पर टाइम आ जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर टाइम आ जाएगा, यहाँ पर हमने वन अपॉन ए का क्यूब ले लिया है, जो स्लोप की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? थ्री के इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे हम थ्री पुट करेंगे तो थ्री के इक्वल हो जाएगी, और जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? वन अपॉन ए नॉट। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? फोर माइनस वन यहाँ पे क्या आ जाएगा? थ्री, तो वन अपॉन ए नॉट थ्री। तो आप एक फॉर्मूला और उससे जुड़ा हुआ ग्राफ ये यूज़ करके आप किसी भी ऑर्डर का, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के किसी भी ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इनके ग्राफ बिल्कुल सिमिलर ही हैं। ठीक है, पॉजिटिव ग्राफ है इनके। सो नेक्स्ट है कि हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर हम एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए हम जो इक्वेशन है फॉर हाफ लाइफ हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग जो फॉर्मूला है वो क्या है? टी हाफ इज इक्वल टू टू एन माइनस वन अपॉन
n minus 1 k a naught n minus 1. By using this formula, हम second order और third order, fourth order, fifth order, nth order के लिए हम क्या निकाल सकते हैं? Half life निकाल सकते हैं. ये जो equation है और जो पीछे वाला equation जो हमने discuss किया था, वो zero order और first order के लिए नहीं है, वो zero और first order के लिए applicable नहीं है, but second, third, fourth, fifth, second से ऊपर, यानी n greater than and equal to 2, दो से ऊपर, second से ऊपर जितने भी हुए value हम यहाँ पर पुट करके ऑर्डर टी हाफ निकाल सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ निकालना है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 माइनस 1 मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर 1. ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा के, यहाँ पे 2 माइनस 1 1, तो यहाँ क्या रह जाएगा नीचे k और a नॉट, तो यहाँ पर जो t हाफ की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 अपॉन k a नॉट. सिमिलरली थर्ड ऑर्डर के अगर हम 3 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू आएगी. नेक्स्ट है कि अगर हम फोर्थ ऑर्डर के लिए, यहाँ फोर्थ ऑर्डर के लिए अगर t हाफ निकालना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे n की जगह 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी 3, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 8 माइनस 1 मीन्स 7. ठीक है, और यहाँ पर 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, a नॉट 3, यहाँ पर 3 के a नॉट. सो दिस इज टी हाफ फॉर फोर्थ ऑर्डर. हम किसी भी ऑर्डर के लिए टी हाफ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. ठीक है, तो अगर फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप डेरिवेशन ना भी करो फॉर सेकेंड और थर्ड ऑर्डर तो भी चल जाएगा, बट फॉर द नॉलेज मैंने आपको करवा के दिखा दिया कि कैसे हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन सेकेंड और थर्ड के लिए निकालते हैं. सो ये हमने आज डिस्कस कर लिया कि कैसे हम हाफ लाइफ और इंटीग्रेटेड इक्वेशन सेकेंड, थर्ड और nth ऑर्डर इक्वेशन के लिए निकाल सकते हैं. स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर करो मेरे वीडियोस को. आप सब्सक्राइब करोगे तो अगर मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो आपको ईजिली पता चल जाएगा. Thank you.